उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के सहारे शरद पवार फिलहाल जितना चाहे खेल सकते हैं, लेकिन वे अच्छे से इस बात को समझते हैं कि अजीत पवार को ठिकाने लगाकर अगर वे उद्धव ठाकरे को सीएम बनवाते हैं तो उस सरकार का हाल कुमार स्वामी सरकार से भी बुरा होगा, क्योंकि एनसीपी की कई कमजोर नसें अजीत पवार के कब्जे में हैं। इस वजह से शरद पवार अजीत पवार को मनाने की कोशिश में लगे हैं। संभव है कि ये सब शरद पवार और अजीत पवार का मिला जुला खेल हो। एक तरफ शरद पवार उद्धव और सोनिया को ये बताएं कि वे उनके साथ हैं और दूसरी तरफ अजीत पवार को फडणवीस के साथ सरकार बनाने की छूट दे दें। माना जा रहा है कि इसमें शरद पवार की दोहरी चाल हो सकती है। अजीत पवार के सहारे वे एक तरफ शिवसेना और कांग्रेस पर दबाव डालकर सीएम की कुर्सी ढाई ढाई साल के लिए बांट सकते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ बड़ी सौदेबाजी कर सकते हैं। असल में शरद पवार सत्ता के सबसे बड़े सौदागर ऐसे ही नहीं माने जाते। शरद पवार ने अपना दूसरा दांव खेल दिया है। एक तरफ जयंत पाटिल के साथ अपने विधायकों को अजीत पवार को मनाने के काम में लगा दिया, तो दूसरी तरफ राज्यपाल के पास एनसीपी विधायकों की पूरी लिस्ट भिजवाई गई है जिसमें अजीत पवार का नाम भी शामिल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ कहे या करें, महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में सरकार बनती नहीं दिख रही है। सरकार तो तब बनेगी जब शरद पवार अपने सारे पत्ते खोलेंगे। इंतजार कीजिए, सत्ता का सौदागर सौदेबाजी में जुटा है।